10,000 गए, दिस इज 14,000। तो गाइस ये हम आए हैं शाबेरी मार्केट में फर्नीचर देखने। क्या देख रहे हो? अभी तो बस एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा सा, क्या यहाँ पे ये चेयर्स का सेगमेंट है और ये पूरा पूरा फर्नीचर इनका। ये है ए टू जी फर्नीचर, शाबेरी में एंटर करते हैं स्टार्टिंग में। आप देखते चलो अगली शॉप से। तो नहीं है ना? अच्छा, थोड़ी बार्गेनिंग कर लो, बार्गेनिंग कर लो, थोड़ा अच्छी बार्गेनिंग होती है यहाँ पे। लेकिन ये कैसा रहेगा ये बताओ? अच्छा है, अच्छा एकदम, अच्छा एकदम, अच्छा लग रहा है। लेकिन कमरे तो विंडो के छोटे छोटे हैं ना? ये बात है अंकल। हाँ नहीं तो कॉम्पैक्ट लो फिर, थोड़ा छोटा। अच्छा 13x11 का आई थिंक, फिर तो आ जाएगा, फिर आ जाएगा। ये एल शेप में ही जाएगा आपका सोफा ना, एल शेप में है ना, ऐसे एल में तो थोड़ा सही रहेगा। ऑफिस की चेयर्स हैं सारी। अभी हमने रेट पूछा था, ये 35,000 रुपीज़ का है और सेम सोफ़ा आपको हमारे घर पे भी दिखेगा। ये आई गेस रूम के लिए है ना, डेकोरेशन के लिए टेबल्स जो होती है ना। हाँ, ऊपर से ग्लास लगा है। नाइस, ये थोड़ा छोटा साइज है। मॉडल अच्छा है वाला, डिजाइन अच्छा लग रहा है एक्चुअली, ये जो आगे का बना हुआ है ना। 35,000। ये टेबल बहुत सही है ना, आई थिंक ये फोल्ड हो जाते हैं। हाँ ये फोल्डेबल है, पूरा स्ट्रेट हो जाएगा एकदम ऐसे करके ना। ये ऐसे भी Amazon वगैरह पे मिलती है वाली। कितने का? 1700। नाइस यार, और दिस इज 1600। ये क्या बोला आपने, कितना प्राइस है? 1700। ये 900 का? तो ये लकड़ी जो है इसमें शीशम तो होता नहीं इसमें, मैंगो वुड है इसमें। मुझे सही लग रहा है यार, ये पसंद भी आ रहा है इसका, इसका लुक भी बड़ा डैशिंग सही है। क्या करें, दे सकते हैं? 900 रुपये में क्या मारा है? सही बात है, इसमें ऐसे पेपर नहीं है, ये इतना वो नहीं, ग्रेस नहीं दे रहा, ये दे रहा है। यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं। ये नोएडा की वन ऑफ फर्नीचर मार्केट है, ये पड़ते हैं सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन के पास। आपका गौर चौक से थोड़ा आगे चलोगे आप, आई थिंक चार मूर्ति से थोड़ा आगे तो लेफ्ट लोगे तो ये मार्केट वहीं पे लोकेटेड है। नीचे तो वुडन है, हाई 4x4 है, मतलब 4 सीटर है। कितने का कह रहे हैं रेट? क्या रेट का रेंज है? 4 सीटर। हाँ, और कुशन आप पसंद कर सकते हैं कपड़ों में? अच्छा हाँ, बाकी लगवा। और 5.5x3 है वो? अच्छा, और 36,000 में कुशन भी है क्या?
डाइनिंग का पूछो, डाइनिंग भैया, डाइनिंग, ये डाइनिंग कितने का है? वो 22 का है। कुछ और भी हमारे जैसे ब्लैक स्टोन टाइप का कुछ, या फिर सारे वाइटी हैं? ये वाइटी आते हैं, मैंने तो वो तो वैसे आते हैं, तो शीशे में बनवा लीजिए। दिस इज स्टाइलिश फर्नीचर भैया। आपके पास सारे ये कौन सा माल है? आप किस में डील करते हो? शीशम में। नहीं नहीं, वैरायटीज क्या है ये? ये जो क्वालिटी है सारे शीशम की लकड़ी है। है क्या ये, मतलब जैसे शूरैक हो गया? शूरैक हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, टीवी कैबिनेट हो गया, साइड बोर्ड हो गया, बुक सेल्फ हो गया, ड्रेसिंग हो गया, ये सारा आइटम है। बेड है, सोफा है, कॉर्नर है, ए टू जेड फर्नीचर है। अगर 6 सीटर वाला कितने में है? 6 सीटर फाइनल रेट पड़ेगा। अगर गद्दी लगा के देते हैं, कुशन लगा के देते हैं तो 25,000 रुपये की पड़ेगी। 25,000 रुपये? कोई सैंपल पड़ा है यहाँ पे? सैंपल नहीं है, गद्दी नहीं लगी है, गद्दी ऑर्डर पे बना रहे हैं। ये वाला ये पड़ेगा 17,000 रुपये का। 17,000 का? 17,000 का है। इसमें वो देखो ना, एक तरफ मतलब एक साइड, पर ये एक टाइम पे अभी 4 ही लोग आ सकते हैं ना? 6 वाला है। अगर आप 2 चेयर लग जाएगी, एक इधर लग जाएगी। अच्छा, कुशन लगा के पड़ेगी आपको 22,000। 22,000 रुपये का ये वाला जी। और उस पर ग्लास भी आएगा। अच्छा, इस पर ग्लास भी आएगा, और ये लकड़ी पूरी शीशम है। और पीछे भी इसका डिजाइन है। ये मंदिर कितने का है? ये 10,000 रुपये का है सर। साइज क्या है इसका? ये 2.5x4 का है सर। वाओ, बहुत अच्छा बना रखा है यार ये। इसमें किसी ऐसे लॉक नहीं? लॉक नहीं है, प्लेट होते हैं, स्टोरेज मिल जाता है आगे। मैंने भी घर पे बनवाया कारीगर से, उसने 14,000 रुपये ले लिए। अब देख के दुख हो रहा है। बार्गेनिंग करके तो थोड़ा कम कर दोगे? पूरे पूरे हैं, पूरे पूरे 10,000 रुपये। और इसका, इसकी लाइट चला दो। हाँ, मेरा हाइट इतना ही है, लेकिन सही है। हमारा इतना बड़ा है, लेकिन हमारे इसमें इस तरफ जाली लगी है। आपने इसमें कटाई करी ना, पर कटाई ज़्यादा गुड यार, ये कटाई ज़्यादा अच्छी कर रखी है। ये जो ये करी है ना, इसमें फिनिशिंग अच्छी है, हमने जाली लगवा दी। तुमने मुझे बताया नहीं कि वहाँ पे भी है। शॉप का नाम क्या होगा? मानवी फर्नीचर, मानवी वुडन फर्नीचर, गली नंबर 2 में, दूसरी गली में एंटर करते हैं, लेफ्ट साइड पे। भैया मंदिर का रेट क्या है दोनों का? शाबेरी में आपको नर्सरीज भी मिलेंगी काफ़ी सारी, जैसे छोटी छोटी नर्सरीज हैं। ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप। अब तो कटने वाला है लंबा चौड़ा बिल। ये हम ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। पूछो कहाँ? ये हम 10,000 का है। दिस इज 14,000। पा
ये पीछे जो लैंप लगे हुए हैं सिंगल सिंगल 900 रुपीज़ का एक है, एंड हमने जो भी परचेज़ किया इसमें, और वो जो डबल है पेयरिंग वो 1600 का। ये वाला रास्ता आपका NH24 जा रहा है क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास, और यहाँ से वापस चले जाओगे तो ये वापस जा रहा है नोएडा। बहुत ज़्यादा धूल रहती है इस रोड पे, मेक श्योर कि मास्क पहन के आना। देखिए ये है आपकी शाबेरी मार्केट, अगर आप आओ यहाँ पे तो दिन के टाइम ही आना, क्योंकि नाइट में तो इतना ट्रैफिक हो जाता है जैसे हम अभी फंसे पड़े हैं। नाइट नहीं है अभी, 7 बजे हैं। हाँ ठीक है, कम से कम आधा घंटा हो गया हमें ऐसे ही चल रहे हैं। ये साइड्स में आपकी सारी शॉप्स हैं, फर्नीचर, डेकोरेशन, लैंप्स। तो अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं या फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ, और एक रीजनेबल रेट पे, और चाह रहे हैं कि दिल्ली ना जाना पड़े कीर्ति नगर वगैरह, तो आप इस प्लेस पे आके अपना सोफा या फिर घर का जो फर्नीचर है वो ले सकते हैं। हाँ, मिरर्स, वॉल मिरर, वॉल लैंप्स, काफी कुछ है डेकोरेशन का। तो भयंकर जाम, अब तो थोड़ा रनिंग हो गया यार। शाबेरी में यही है, अगर आप शाम को आओगे शाबेरी तो आपको बहुत जाम मिलने वाला है यहाँ पे। जाम तो मिलने वाला है, सामान भी तो मिलता है आपको अपने बजटेड प्राइस में। देखिए लैंप्स, पर कुछ भी हो यार, अगर प्लान करोगे तो दिन में आना, शाम के टाइम नहीं। हम भी दिन में ही आएंगे।